हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट में दो सीरीज़ हैं जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम में रखी हुई है। ऊपर वाली सीरीज़ को हम लैंथेनॉइड्स बोलते हैं और नीचे वाली सीरीज़ को हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड के अंदर 4F सबशेल की फिलिंग होती है और इनका नाम एक्टिनॉइड्स क्यों पड़ा है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट एक्टिनियम के बाद आते हैं सारे के सारे। तो एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट है, इसलिए इनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। और एक्टिनियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिनॉइड्स के साथ मैच करते हैं, इसलिए हम इसको इसके साथ स्टडी करेंगे। है ये डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक्टिनॉइड्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 14 एलिमेंट हैं, थोरियम टू लॉरेंसियम। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90, लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर है 103। तो ये सारे के सारे 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड सीरीज़ का हिस्सा हैं। इनको एक्टिनॉन्स भी बोला जाता है। एक्टिनॉइड्स में थोरियम, प्रोटैक्टियम और यूरेनियम सिर्फ तीन ही ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी सब एलिमेंट आर्टिफिशियली मैन मेड एलिमेंट्स हैं जिनको न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। तो यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, मैन मेड एलिमेंट है, इसलिए उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। और ये आर्टिफिशियल एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनका 15% हैं, इनके 15% एलिमेंट मैन मेड है। एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं नेचर में ह्यूमन के लिए और रेडियो एक्टिव हैं। टॉक्सिक इसलिए हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है इनका नेचर। तो आप इनके रेडियो एक्टिव नेचर की वजह से बहुत सारी स्टडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनकी स्टडी में? एक तो इनका जो रेडियो एक्टिव नेचर है वो आइसोलेशन और एलिमेंट्स का करेक्टराइजेशन नहीं होने देता। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस होता है उनका, यानी कि सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है एक तरह से। तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है इसका पता लगाना मुश्किल होता है उनके रेडियोएक्टिव नेचर की वजह से। दूसरा, ज़्यादातर एलिमेंट्स क्या है, मैन मेड एलिमेंट है, न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट के थ्रू बनाए गए हैं और न्यूक्लियर रिएक्शन में हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल निकलते हैं। तो आपने कोई एलिमेंट बना भी लिया तो क्या होगा, वो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल उसकी लैटिस को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देंगे, तो उसको सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा उसका एक तरह से, यानी कि डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो अगर आपका एलिमेंट जो बना वो जल्दी ही ख़त्म हो गया तो हम उनका करेक्टराइजेशन नहीं कर सकते। दूसरा, रेडियोएक्टिव नेचर की वजह से हैंडलिंग में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए शील्डिंग, हमें न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने पड़ते हैं और फिर रिमोट कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू उनका कुछ करेक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हम रिमोट कंट्रोल के थ्रू ही करते हैं। थर्ड क्या है, जो ट्रांस एलिमेंट हैं, जो आर्टिफिशियल एलिमेंट हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं, इतनी कम क्वांटिटी, जैसे कि मेंडेलिनियम है उसको जब हम बनाते हैं तो हर एक्सपेरिमेंट में 1, 2, 3 एटम्स ही बनते हैं, बने ही इतने कम अमाउंट में। उसके साथ साथ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट जनरेट होगा, बहुत सारे एलिमेंट जनरेट होते हैं, एक्टिनॉइड्स बहुत सारे, लैंथेनॉइड्स बहुत सारे, तो फिर हमें उनके आइसोलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इन सब करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक्टिनॉइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टडीड नहीं है और कम एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। जैसे एस ब्लॉक को काफ़ी डीपली स्टडी किया गया है, डी ब्लॉक को किया गया है, पी ब्लॉक को भी किया गया है, एफ ब्लॉक को किया गया है, उसमें लैंथेनॉइड को ज़्यादा किया गया है, एक्टिनॉइड्स को उनके रेडियोएक्टिव नेचर की वजह से कम स्टडी किया गया है। एक्टिनॉइड्स की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, रेडोन 5F1214 6T0217S2। ये क्या है, नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर है 86। तो कौन कौन से एलिमेंट है, एक्टिनियम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टेंटिनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। तो थोरियम टू लॉरेंसियम ये सब क्या है, एक्टिनॉइड्स हैं, 14 एलिमेंट। कहाँ से एटॉमिक नंबर 92, 103।
एक्टिनम हम यहाँ क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक एक्टिनॉइड से मिलते हैं। तो अब जो सिंबल है उनके लिए क्या है, एक्टिनियम के लिए ए सी, थोरियम के लिए टी एच, प्रोटेक्टियम के लिए पी ए, यूरेनियम के लिए यू, नेपच्यूनियम के लिए एन पी, प्लूटोनियम के लिए पी यू, अमेरिसियम के लिए ए एम, क्यूरियम के लिए सी एम, बर्केलियम के लिए बी के, कैलिफोर्नियम के लिए सी एफ, इंस्टेंटिनियम के लिए ई एस, फर्मियम के लिए एफ एम, मेंडेलिनियम के लिए एम डी, नोबेलियम के लिए एन ओ, लॉरेंसियम के लिए आर एल। अब हम करेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एक्टिनियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर एन 61 7s2, यानी कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 60 सबशेल में जाता है। फिर थोरियम का स्टार्ट होता है कहाँ से, 5f1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 तक है, उसके बाद 6 मिसिंग है, फिर 7 है, फिर से 7 है, 8 मिसिंग है, फिर 9 10 11 12 13 14 14। तो इसमें से जो कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है वो है 5f6 एंड 5f8, दोनों कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है। शुरू वाले जो एलिमेंट्स हैं उसमें डी सबशेल 60 सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 है, फिर 0 है, और फिर 0 है, फिर लास्ट वाले में 1 है। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि 5f6 नहीं है और 5f8 नहीं है कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करेंगे इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हैं एक्टिनॉइड्स के वो काफ़ी सही हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में कम है, और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोई रेगुलर ट्रेंड भी फॉलो नहीं करते। दूसरा है डेंसिटी। जो डेंसिटी है एक्टिनॉइड्स की, पहले होती है इंक्रीज जितनों की भी नोन है, और फिर होती है तो जो डेंसिटी है वो कोई रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं करती है। डेंसिटी पहले इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज होती है, जितने भी एलिमेंट्स की नोन है सबकी तो पता भी नहीं है। इन द सेम वे जो हीट ऑफ फ्यूज़न है और वेपराइजेशन है वो जितने भी एलिमेंट्स की पता है वो क्या होती है, डिक्रीज होती हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, जैसे लैंथेनाइड के केस में क्या था, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट थी। एक्टिनॉइड के केस में भी जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डोमिनेंट स्टेट है, लेकिन सबकी नहीं है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो ये देखिए, एक्टिनॉइड्स, थोरियम, प्रोटेक्टियम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। तो मैंने जो शुरू वाले पेन से मार्क करी हैं वो क्या हैं, उनकी डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो थ्योरियम है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरियम की +4 है, प्रोटेक्टियम की +5 है, यूरेनियम की +6 है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये किस बेसिस पे है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थ्योरियम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 हो गई, प्रोटेक्टियम में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 5, यूरेनियम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6, लेकिन फिर नेपच्यूनियम में 7 होनी चाहिए थी डोमिनेंट जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन ये 7 शो करता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी क्या है, +5 है। इसी तरह से जो प्लूटोनियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल 4 है, फिर अमेरिसियम की 3 है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और अमेरिशियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो 3 नेचुरली अकलिंग एलिमेंट हैं इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग है। अब हम केस करेंगे डिस्कस बर्केलियम। जो बर्केलियम है उसकी कॉन्फिग्रेशन क्या है, 97 इसका एटॉमिक नंबर है, रेडोन 5f9 60 7s2। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट शो करते हैं, कि प्लूटोनियम भी शो करता है और अमेरिसियम भी शो करता है, पर इन सब में जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बर्केलियम की है सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
तो जो बर्केलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, रेडोन 5F9 60 07S2। 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 5F7, जो कि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। इन द सेम वे बहुत सारे एलिमेंट +2 कॉन्फ़िगरेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं सॉरी। तो +2 लेकिन नोबेलियम की सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसका रीज़न क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5F14 फुल्ली फिल कॉन्फ़िगरेशन है। तो नोबेलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, मोस्ट स्टेबल। बर्केलियम और ये सब भी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, लेकिन बर्केलियम की जो +4 होगी सभी एलिमेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगी, क्योंकि वो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम प्रोटैक्टियम कर चुके हैं कि वो 5 दिखाता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बचती है। और जो नेपच्यूनियम है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, लेकिन वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। और प्लस सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 5F2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो सॉल्यूशन में एज सच ऐसे नहीं होते, जैसे हमने लैंथेनाइड के केस में क्या करते थे, Al3 पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन में, इस तरह से बोलते थे। इस केस में जो +5 आयन्स हैं वो इस तरह इस फॉर्म में नहीं होते, वो होते हैं ऑक्सोकेटाइन की फॉर्म में, ऑक्सोकेटाइन यानी कि MO2 पॉजिटिव। तो यहाँ से जो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट इस आयन में कितनी है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये आयन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब सॉल्यूशन की pH 2-4 है, और 2-4 जो pH है वो क्या है, एसिडिक pH है। जो ऑक्सोकेटाइन है इनका स्ट्रक्चर है लीनियर, ऑक्सीजन मेटल ऑक्सीजन पॉजिटिव लीनियर है ये, और सॉल्यूशन के अंदर ये डिसप्रोपोनेट हो जाते हैं। डिसप्रोपोनेट क्या होता है, उसी स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन हो जाना, उसी स्पीशीज़ का रिडक्शन हो जाना। तो ये अब क्या है, यूरिनाइल आयन है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एच पॉजिटिव क्यों दिखाया है, मैंने बताया कि पीएच 2-4 में ही ये एग्जिस्ट करता है, तो 5 से ये 4 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। अब 5 से ये 6 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये आयन जो है सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं है, डिसप्रोपोनेट हो जाता है, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर ये आयन क्या है, स्टेबल है। इन द सेम वे कुछ जो एक्टिनॉइड्स हैं +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, आगे वाले लोअर एक्टिनॉइड मतलब लाइटर वाले, इधर वाले जिनका एटॉमिक नंबर कम है, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करते हैं, फ्लोराइड के साथ, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ शो होती हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में जब आयन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो वो डाई ऑक्सो आयन्स के फॉर्म में होते हैं, MO2 पॉजिटिव, और ये वाली आयन सॉल्यूशन में भी स्टेबल हैं और सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल हैं। अब जो एक्टिनॉइड्स हैं वो आयनिक स्पीसीज बनाते हैं। आयनिक स्पीसीज कौन कौन सी हैं, ये सब M3, M4 और ये दोनों ऑक्सोकेटाइन डाई ऑक्सोकेटाइन। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैं उसमें आयनिक होते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट। ये नॉर्मल रूल है, हर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड बनाता है, और जैसे जैसे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब हम करेंगे कलर ऑफ आयंस। तो सब आयंस के कलर रेडियोएक्टिव नेचर होने की वजह से रिवील नहीं है, लेकिन F0 और F7 जो कॉन्फ़िगरेशन है कम्प्लीटली कोई इलेक्ट्रॉन नहीं या हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, कलरलेस है। अब जो कलर हैं किस वजह से अराइज होते हैं, 5F सब शेल के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उनको बोलते हैं FF ट्रांजिशन, और उनका एनर्जी कैप क्या है, विजिबल रीजन के कोरस्पॉन्डिंग लाई करता है। इसलिए जो एक्टिनॉइड्स हैं उनके जो सोल्ट हैं वो कलर्ड दिखाई देते हैं। तो एक्टिनॉइड्स 3 तरह के ट्रांजिशन शो करते हैं, FF ट्रांजिशन, FD ट्रांजिशंस और चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो FF ट्रांजिशन है वो एक्टिनॉइड सोल्ट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। FF ट्रांजिशन क्या है, लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन है। FD और चार्ज ट्रांसफर क्या है, अलाउड ट्रांजिशन है, लेपोर्टे अलाउड। तो इनकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जो FF ट्रांजिशन है एक्टिनॉइड्स में, वो लीगेंड्स के थ्रू इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। लैंथेनॉइड में ऐसा नहीं था, मैंने कहा था फिक्स कलर शो करते हैं, और शील्डिंग की वजह से
ज़्यादा लिगेंड का इफेक्ट नहीं आता, बहुत कम इफेक्ट आता है। इस केस में काफ़ी ज़्यादा लिगेंड का इफेक्ट आता है, इसलिए उनके जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हैं एक्टिनॉइड्स के लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जो एक्टिनॉइड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होते हैं वो इंटेंस होते हैं, एफएफ ट्रांजिशन 10 times और 2 times ब्रोड्स, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं, और जो उनकी ब्रोड है, ब्रोडनेस है वो भी ज़्यादा होती है एक्टिनॉइड्स की। अब जो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन है वो एक्टिनॉइड्स में अलाउड है, और वो एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्सेस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्सेस में, लेंथेनॉइड सॉल्ट में कलर के लिए एफएफ ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन एक्टिनॉइड के केस में जो एक्टिनॉइड सिंपल सॉल्ट हैं उनके कलर के लिए एफएफ ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल हैं, और चार्ज ट्रांसफ़र क्या है एक्टिनॉइड के कॉम्प्लेक्सेस के लिए कलर। उसका रीज़न ये है कि जो एनर्जी गैप है 5F और 6D के बीच में वो काफ़ी कम एनर्जी गैप है, तो इसकी वजह से ये यूवी विजिबल रीज़न में लाई करता है। अब हम करेंगे आयनिक रेडियाई। तो जैसे हमें पता है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड क्या होता है, आयनिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि सेम सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। तो इस केस में क्या है, सबशेल 5F सबशेल है और इलेक्ट्रॉन सेम सबशेल में ऐड होते जाते हैं, और 5F ऑर्बिटल की शील्डिंग बहुत कम है, तो सेम सबशेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करते। तो 5F की जो शील्डिंग है वो 4F के कंपैरिजन में कम है, यानी कि 4F और 5F में कंपेयर करेंगे तो 4F की शील्डिंग ज़्यादा है, 5F की कम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी अफेक्ट करता है। तो जब इसकी शील्डिंग बिल्कुल कम है तो एक्टिनॉइड के केस में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। तो जो एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं, उनके आयंस हैं, उनके बीच में जो रेडियाई का जो गैप है वो थोड़ा और ज़्यादा सिग्निफिकेंट है लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में। जैसे लेंथेनॉइड का तो हमने डिस्कस किया था कि बिल्कुल क्लोज हैं उनकी आयनिक रेडियाई, और आयनिक साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं और सिमिलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते। इस केस में अगर हम लेंथेनॉइड के कंपैरिजन में डिस्कस करें तो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है सक्सेसिव जो सिक्वेंस में जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनिक रेडियाई में। तो ये +3, ये जो ग्राफ शो किया गया है इसमें +3 और +4 आयंस की, कुछ एक आयन की आयनिक रेडियाई दी हुई है। पीछे वालों को क्यों नहीं दी हुई, क्योंकि उनकी रिवील ही नहीं हुई अभी तक। तो देखिए जो हमने लेंथेनॉइड किया था उसमें शुरू से लेके एंड तक का गैप ऑलमोस्ट 115 angstrom था लेंथेनॉइड के केस में, और इसमें क्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऑलमोस्ट 112 angstrom का डिफरेंस है। तो ये तो एटॉमिक नंबर सिर्फ 8 ही इन्वॉल्व है, 92, 98, और उसमें क्या था पूरे के पूरे 14 series, यानी कि इसमें जो चेंज है ऑलमोस्ट सेम चेंज है लेंथेनॉइड में 14 elements के लिए, और इसमें 8 elements के लिए ऑलमोस्ट सेम चेंज है। तो एक्टिनॉइड का जो है गैप है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट में थोड़ा ज़्यादा है लेंथेनॉइड कंपैरिजन के, लेंथेनॉइड आयंस के कंपैरिजन में। और इसका रीज़न क्या है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि 5F सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है और 5F सबशेल शील्ड नहीं कर पाते इफेक्टिवली, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, लेंथेनॉइड से भी ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी, देखिए पहले यूरेनियम टू प्लूटोनियम डिक्रीज होती हैं, फिर इंक्रीज होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलिफोर्नियम है। ऐसा कहा जाता है कि इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि 5F थोड़ा ज़्यादा अफेक्ट होता है लिगेंड से एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड्स। तो इनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और उनकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आप जो रेगुलर मैं जो भी कराऊँ उसको आप फॉलो करते रहिए और अपना लर्न करिए। थैंक यू।